कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। ये बीमारी अब तेजी से फैल रही है। पहले इस बीमारी के मामले बहुत कम सुनाई देते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में मामले बढ़ रहे हैं। माना जाता था कि अगर कोई इंसान हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है तो वो इस तरह की बीमारियों की चपेट से खुद को बचा सकता है। हालांकि जब बड़े फिल्मी सितारे इसकी चपेट में आते हैं तो कई सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आखिर सेलिब्रिटीज तो अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने खानपान पर खास ध्यान रखते हैं, फिर उन्हें आखिर क्यों कैंसर हो जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, हिना खान ने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, जिसको लेकर हर कोई हैरान हो गया था। सिर्फ हिना खान नहीं बल्कि कई सारे सेलिब्रिटीज इससे पहले भी कैंसर का शिकार हो चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को साल 2018 में मेटास्टैटिक एंड्रोमेट्रियल कैंसर हो गया था। इसका इलाज कराने के लिए वो न्यूयॉर्क चली गई थी। साल 2009 में लीजा रे को भी बोन मैरो कैंसर हुआ था। इसके अलावा साल 2012 में मनीषा कोइराला भी ओवेरियन कैंसर से जूझ चुकी हैं। वहीं महिमा चौधरी और संजय दत्त का भी इस लिस्ट में नाम आता है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने तो कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा ही कह दिया था। 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर होने का उन्हें पता चला था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर सेलेब्स जो अपना इतना ध्यान रखते हैं, आखिर उनको कैंसर क्यों हो रहा है? एक्सपर्ट्स का सबसे पहले ये मानना है कि लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। ये तो सभी जानते हैं कि ये बड़े सेलिब्रिटीज अक्सर डाइटिशियन और डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि कई सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, अल्कोहल और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी शामिल होता है। इसके अलावा हमेशा स्लिम और अट्रैक्टिव दिखने के लिए अक्सर उन्हें कड़ी डाइटिंग करनी पड़ती है, जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बीमारियों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरा है कि वो राय लेने में देरी करते हैं। सेलिब्रिटीज के पास टॉप लेवल हेल्थ केयर की सुविधा मौजूद होती है, लेकिन दूसरी राय लेना या कोई विश्वसनीय एक्सपर्ट्स ढूंढने में अक्सर देरी हो सकती है, जिसकी वजह से बीमारी का समय रहते पता नहीं चल पाता। इसके अलावा आता है हेल्थ अवेयरनेस की कमी। कई सेलिब्रिटीज पब्लिक हेल्थ कैंपेन में तो भाग लेते हैं, लेकिन अपने खुद के स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेते। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि स्वास्थ्य अभियानों में भाग लेने के बावजूद उन्हें खुद के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में पता नहीं होता। वहीं शुरुआती लक्षणों को भी वो नजरअंदाज करते हैं। जागरूकता की कमी या गलत जानकारी के कारण अक्सर बड़ी बीमारी को साधारण परेशानी समझ लिया जाता है, जिसके चलते देर हो सकती है। वहीं बिजी लाइफस्टाइल भी इसका एक कारण है। सेलिब्रिटीज काफी बिजी लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं करवा पाते हैं। इसके कारण उन्हें अक्सर किसी गंभीर बीमारी का वक्त रहते पता नहीं चल पाता। जरूरत से ज्यादा तनाव, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। कभी कभी सेहत से ज्यादा इमेज का ख्याल भी भारी पड़ता है। सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ भी पब्लिक होती है। फैंस को हमेशा ये जानने की इच्छा होती है कि उनके फेवरेट स्टार्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से पेपराजी हर दम उनके पीछे लग रहते हैं। ऐसे में अपनी पब्लिक इमेज और प्राइवेसी की चिंता की वजह से कई सेलिब्रिटीज जल्दी मेडिकल सहायता लेने से बचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।